दोस्तों पिछली बार आप लोगों ने वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, वो रिस्पांस देखते हुए फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एनेरेरा अप्रूव्ड बंगलों का प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, जो कि होने वाला है पुणे में। पुणे से मात्र 20 मिनट की दूरी पर ये आ जाता है। काफ़ी अच्छी ऐसी ये प्लॉटिंग है दोस्तों। अभी मैं आपको इस प्लॉट के बारे में हर चीज़ बता रहा हूँ। बताने वाला हूँ इस वीडियो में, हर चीज आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर सभी प्रॉपर्टी की वीडियो पूरी तरह देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसमें ही का नुकसान है, क्योंकि हम लोग डेली प्रॉपर्टी की नई नई वीडियो डालते रहते हैं। आपके सब्सक्राइब न करने की वजह से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। इस वजह से हो सकता है कि प्रॉपर्टी जैसी आप खोज रहे हैं वैसी प्रॉपर्टी की वीडियो हमने डाली, लेकिन आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को करें ऑल करें, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने जो है ये आपका एंट्री गेट है, जो आप देख रहे हैं सामने पूरा एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री और यहाँ से एग्जिट होने वाला है, और बीच में वॉचमैन का केबिन दिया हुआ है। और यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे तो लेफ्ट राइट में आपको छोटे छोटे गार्डन्स मिल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की काफ़ी अच्छा ऐसा रिच लुक ऐसा ये दे रहा है। यहाँ पर एक गार्डन आने वाला है, वहाँ पर एक गार्डन आ रहा है, और ये आपका एंट्री गेट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो प्लॉट है, प्लॉट साइज़ जो है वो मिनिमम 2100 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज़ है। अब देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ऐसा ये प्लॉटिंग साइज़ है। अभी हम लोग जो रोड पे खड़े हैं, ये जो रोड है ये 9 मीटर का रोड है, जो कि कंक्रीट का रोड है। और यहाँ पर आप अगर लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में आपको दिख रहा है ये है फुटपाथ, जहाँ पर आप शाम को वॉक वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर के बच्चे वगैरह यहाँ चल सकते हैं, और यहाँ से आपकी गाड़ियाँ जाने वाली है। और राइट में भी देखेंगे तो अगेन आपको फुटपाथ दिख रहा है, ये आपको फुटपाथ दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से फुटपाथ है। और साथ ही में जैसे आप देखेंगे सामने, तो आपको सामने आपको स्ट्रीट लाइट भी दिख रहा है, जो कि काफ़ी डिज़ाइनर ऐसा स्ट्रीट लाइट है। और ये कुछ ट्रीज़ है, जो काफ़ी अच्छा ऐसा ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, बढ़िया प्रोजेक्ट है। अगर आप लोगों में से कोई भी ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, किसी को लेना है, कोई ये प्लॉट लेना चाहता है इस प्रोजेक्ट में, तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। और बहुत बार हम लोग फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हाई करिए, वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म आ जाएगा, आप वहाँ पर भी हमें आपकी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। और हर एक प्लॉट को ये कुछ इस तरीके से नंबर होने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये S1503। S1503 का मतलब होता है ये जो रोड है, ये जो आप रोड देख रहे हैं, ऐसी कई लेन होने वाली है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है 100+ एकड़ में है। तो ये लेन नंबर 5 है, जहाँ पर अगर कोई आपके पास आता है, सपोज़ इस गेट से सपोज़ कोई अंदर आता है, तो ये जो गेट है ये लेन नंबर 5 का गेट है। और यहाँ से जैसे ही आएगा तो आपका अगर कोई XYZ प्लॉट होगा तो प्लॉट नंबर के हिसाब से अंदर आ जाएगा। और आप देखेंगे तो सिस्टम इतना ज़बरदस्त और इतना बढ़िया किया है कि आपको हर एक प्लॉट के सामने आपका एक ड्रेनेज लाइन रहने वाला है, और दूसरा होने वाला है जो कि आपके इलेक्ट्रिक का जो लाइन आने वाला है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक किया हुआ है पूरा। दोस्तों अभी जो ये प्लॉटिंग है ये एनेरेरा है, और 100+ एकड़ में ये प्लॉटिंग होने वाला है, जिसमें कि 32 एकड़ का जो लैंड पार्सल है ये ऑलरेडी एने और रेरा हो गया है, और जिसमें से 16 एकड़ के 2 फेज़ किए, जिसमें से कि अभी आप जो देख रहे हैं ये फर्स्ट फेज़ है 16 एकड़ का। में भी बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। और अगर प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो आपको 9 मीटर एंड 12 मीटर के इंटरनल रोड्स मिल रहे हैं, जो कि कॉन्क्रीट एंड पेवर ब्लॉक से बनाए गए हैं। उसके बाद जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आपको LED लाइट्स भी मिल रही है, जो कि स्ट्रीट लाइट्स होने वाली हैं। और दोस्तों सामने आप जो देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप सामने देखेंगे, जो कि हम लोग आपको ड्रोन शॉट्स में भी दिखाने वाले हैं, कि वहाँ पर जो है 2 लाख लीटर का वाटर टैंक है, जो कि स्टोरेज के लिए होने वाला है। हर दोस्तों अभी आप अगर देखेंगे तो हर एक प्लॉट को एक वाटर कनेक्शन भी दिया गया है, लाइट कनेक्शन भी आ जाएगा, यहाँ पर एक आपका लाइट कनेक्शन भी आ जाएगा। प्लॉटिंग देखेंगे तो स्क्वायर प्लॉट है और वास्तु कंप्लाइंट। अभी आप जो देख रहे हैं ये है एक स्क्वायर, जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बीच वाला जो रोड है ये 9 मीटर का है, और अभी हम लोग जो स्क्वायर पे खड़े हैं ये अगर आप देखेंगे
तो ये 12 मीटर का बीच का मेन रोड होने वाला है। अगर आप लेफ्ट और राइट देखेंगे तो आपको कुछ रोड्स दिख रहे हैं जो कि 9 मीटर के सीमेंट कंक्रीट के रोड है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको वाटर स्टोरेज टैंक मिल रहा है, और देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी सुंदर ऐसा ये जगह है। और अगर आप पीछे भी देखेंगे तो आपको एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी दिख रही है, तो काफ़ी पीसफुल और काफ़ी अच्छी ऐसी जगह है। बात करेंगे अगर इसके प्राइस की, तो प्राइस ये जो अभी 16 एकड़ का फर्स्ट फेज है, जो कि इसमें ओनली 10% कुछ प्लॉट्स रह गए, जिसमें आपको कुछ कॉर्नर प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, और सभी प्लॉट्स इसमें ऑलमोस्ट सेम है, इसमें हर एक प्लॉट प्राइम है, 10% प्लॉट ही रह गए, जिसमें से आपको जो प्लॉट का प्राइस है वो पर स्क्वायर फीट 2500 रुपीज़, ये आपका मिनिमम प्राइस होने वाला है पर स्क्वायर फीट। मिनिमम प्लॉट का साइज़ है 2100 स्क्वायर फीट। और पीछे भी देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ऐसा वॉकिंग वगैरह के लिए जगह है, तो काफ़ी लैविश ऐसा ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी लग्जूरियस ऐसा ये प्रोजेक्ट है। इसमें आपको एक हाईलाइट अगर मैं आपको करके बताऊं तो क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आप जो देख रहे हैं ये है एमिनिटी स्पेस, और अभी हम लोग हैं सेकेंड फेज़ में। सेकेंड फेज़ में से देखेंगे तो सामने आपको जो दिख रहा है ये फर्स्ट फेज़ है, और ये सेकेंड फेज़ का गेट है, और अभी हम लोग हैं एमिनिटी स्पेस में, जहाँ पर आपको एक मल्टीपर्पज़ हॉल मिल रहा है जो कि आप सामने देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको मिल रहा है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के आगे मिल रहा है आपको स्पोर्ट्स एरिया, जहाँ पर आपको हर एक स्पोर्ट्स मिलने वाला है। और यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं ये कुछ कैनाल टाइप यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि यूरोप वगैरह में आप बहुत से जगह देखेंगे तो कुछ कैनाल टाइप्स होते हैं, और उसके बाजू में बैठने के लिए वगैरह जगह होती है, कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पूरी बंगलो सोसाइटी है, ये पूरा आपको बंगलो सोसाइटी दिख रहा है दोस्तों। काफ़ी सुंदर और काफ़ी ज़बरदस्त ऐसा ये प्रोजेक्ट है। प्राइस जैसे कि मैंने बताया आपको 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, मिनिमम प्लॉट साइज़ जो है वो 2100 स्क्वायर फीट का है। ये सेकेंड फेज़ है, सेकेंड फेज़ ओपन होगा मई में, और सेकेंड फेज़ जिस टाइम ओपन होगा उसका जो प्राइस होने वाला है वो मिनिमम 3500 रुपीज़ होने वाला है, जो कि फेज़ वन से 1000 रुपीज़ ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए तुरंत आप आपका प्लॉट बुक करिए, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस प्लॉट को पुणे का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला हुआ है, तो काफ़ी सुंदर ऐसा ये प्रोजेक्ट है। प्राइस 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, मिनिमम प्लॉट साइज 2100 स्क्वायर फिट। मात्र 10% प्लॉट का मतलब आप समझ लीजिए कि एक 15 से 20 प्लॉट अभी फर्स्ट फेज़ में बाकी है, जिसका प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये सेकेंड फेज़ है, सेकेंड फेज़ का जो प्राइस है वो होने वाला है 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। अगर बात करेंगे इसमें आपको क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही है, तो एमिनिटी में आपको मिल रहा है पार्टी लॉन, जॉगिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज़ हॉल, टोटल एंड बेबी स्विमिंग पूल, और उसमें आपको मिल रहा है मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स ग्राउंड भी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, मैंगो चीकू एंड कोकोनट ट्री फॉर ईच प्लॉट्स, हाफ ओलंपिक साइज़ का आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है विथ चेंजिंग रूम। तो इसका एमिनिटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। ये जो आप सामने दिख रहे हैं ये अभी चल रहा है स्विमिंग पूल का काम, और ये जो स्विमिंग पूल है ये स्विमिंग पूल हाफ ओलंपिक साइज़ का ये स्विमिंग पूल होने वाला है, काफ़ी बड़ा ऐसा स्विमिंग पूल है। और ये पूरा जो है आप देख रहे हैं ये पूरा एमिनिटी स्पेस है, यहाँ से आप लेके ऊपर तक आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एमिनिटी स्पेस है, ज़बरदस्त एमिनिटी आपको मिलने वाली है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप ये लेना चाहते हैं, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिए, जिससे कि हम लोग नई नई रील्स वगैरह हम लोग प्रॉपर्टी की डालते रहते हैं। तो दिए गए नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।